घटिया बाप वाला बिहेवियर हो गया है प्रधानमंत्री जी का। संघर्ष जिंदाबाद। जब यूपी का इलेक्शन आया, जब पंजाब का इलेक्शन आया, तब आपको याद आया कि हमको कानून वापस ले लेना चाहिए। हम आई एम सॉरी से उन किसानों के परिवार नहीं पाल सकते जिन्होंने आत्महत्या कर ली या जिन्हें ठंड लग गई और ठंड के मारे मर गए वो आंदोलन में संचालित करने वाले समझा नहीं पाए हैं कि बात, तो आप इस्तीफा दे दीजिए ना। कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा हो चुकी है, उसके बाद भी आंदोलन चल रहा है। कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा केवल काफी नहीं, प्रधानमंत्री इसी तरह से कई बार देश में चलन हो चुका है कि बिना राज्यसभा की बैठक बिठाए, बिना लोकसभा की बैठक बिठाए, बिना किसी भी कार्यकारी के वो कोई लॉ पास कर देते हैं, कोई बिल पास कर देते हैं और उसके बाद वो पूरे देश के लिए कानून। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी का सुबह सुबह 9 बजे का भाषण या वक्तव्य कानून नहीं बन सकता है। ये अभी भी लोकतंत्र है। यहाँ पे अभी तक फांसीवादी सरकार संवैधानिक तौर पर स्थापित नहीं हुई, तो आंदोलन के अभी तक चलते रहने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है, बहुत बड़ा मुद्दा ये यहाँ मौजूद कि जो कृषि कानून है उनकी वापसी की सिर्फ घोषणा ना की यहाँ मौजूद, बल्कि ये बाकायदा संसद से पारित होकर फिर उसके बाद रखे यहाँ मौजूद, क्योंकि फिलहाल प्रधानमंत्री की बात को यहाँ मौजूद। और इसमें दो चीजें, एक चीज बताती हूँ, ये है कि प्रधानमंत्री की बात मान लेना कि उसके बाद बस और कुछ नहीं हो सकता, भी अपने आप में फांसीवाद का अंदरूनी फांसीवाद को अपने अंदर समाहित कर लेने का एक निशान है। क्योंकि अगर जो क्योंकि अगर आप देखिए तो इस देश में 2014 से सभी के सभी कानूनों के रद्द होने की या पारित होने किसान की आंदोलन का जो हमेशा लोकसभा सत्र के आखिर में होती थी या राज्यसभा सत्र के आखिर में, अब प्रधानमंत्री का भाषण वो आखिरी शब्द मान लेना, ये किसानों की हार होगी। क्योंकि अगर वो ये मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी ही सर्वे सर्वा है और वो जो कहे वो जीत गई वो हार, और ये उन्होंने अपने 9 बजे के वक्तव्य में हार माना। क्योंकि देखिए उन्होंने 9 बजे के वक्तव्य में माफी मांगी कि हमें ये पहले हमारे देश के किसान भाइयों के तरफ से गलती करके माफी नहीं मांग सकते प्रधानमंत्री। आपकी गलतियां बड़ी हैं, कई सौ लोगों की जाने गई हैं और सिर्फ कृषि कानूनों में नहीं गई हैं, CAA NRC के आंदोलन में कई लोगों की जाने गई हैं, बच्चों की जाने गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री की खरीदी हुई मीडिया ने जाकर ये कह दिया है कि उन बच्चों के माँ बाप जिम्मेदार थे उनकी मौत को, नवजात शिशुओं की मौत को इस आदमी ने मजाक बनाकर। आप इस तरह से अपनी जिद के ऊपर बार बार आंदोलन नहीं कर सकते हैं। अगर आप जानते थे कि किसान से खुश नहीं है तो यहाँ पे पहले 3 महीने में नहीं पता चला, पहले 4 महीने में नहीं पता चला, 5 महीने में कितने सारे लोग मर चुके थे, जब 50 लोग मर चुके थे आपको 70 लोगों की मौत में नहीं पता चला, जब यूपी का इलेक्शन आया, जब पंजाब का इलेक्शन आया, तब आपको याद आया कि हमको कानून वापस ले लेना चाहिए। क्योंकि इन सरकार क्योंकि इन जगहों पे यहाँ के जो किसान है वो हमको वोट नहीं देंगे, यहाँ कृषि प्रधान वोटर यहाँ हमको वोट नहीं मिले, इसलिए हम खाद्य वापस ले लेते हैं और उसके बाद अपनी बिल चपा लेते हैं कि हम कितने ये बिल्कुल एक घटिया बाप वाला बिहेवियर हो गया है प्रधानमंत्री जी का।
जहाँ पे वो रोज अपने मन से कोई नया लॉ पारित करवाते हैं। उसके बाद जब बच्चे कहते हैं कि आप हमें पीट रहे हैं या गलत हो रहा है, तो वो रूस के साइड में पहुंच जाते हैं कि तुम हमको बुरा कैसे बोल सकते हो। और उसके बाद दो तीन बच्चों के बाद के बाद वो लौट के आते हैं और बोलते हैं हमसे गलती हो गई, हमको तुमको नहीं मारना चाहिए। आपकी गलती और आपकी माफी का अब देश क्या करे और किसान क्या करे? एक पूरे महीने में जितने लोगों की मौत हुई, एक साल अब भूल जाइए, एक महीने में, एक दिन में, दिल्ली की ठंड में जितने लोगों की मौत हुई, जिस चीज का प्रधानमंत्री जी वो सब देश आकर कहते हैं आई एम सॉरी का क्या करेंगे? और ये पहला सॉरी नहीं है उनका, ऐसे कई सॉरी आए हैं और आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री क्या मांग रहे थे? हमारी मांग यही रहेगी कि प्रधानमंत्री कृषि कानून वापस ले और कानूनी तौर पर बल्कि सीएए एनआरसी वापस ले। सीएए एनआरसी के अलावा उन्होंने जो दूसरे लॉज पारित किए वो वापस ले, यूएपीए के सारे बंदियों को रिहा करे, झारखंड में जितने यूएपीए के बंदियों को रिहा करे, अंतर्गत उनको जिनको अरेस्ट किया है, जितने जामिया से जितने स्टूडेंट अरेस्ट हुए हैं सबको रिहा करें, जितने बच्चों को जितने जामिया में जितने बच्चे पिटे हैं, देश पूरे देश में लाठीचार्ज की इन्होंने आंधी चली है, उसके जितने लोग पिटे हैं, जितने लोगों को हमारी खुद की एक क्लासमेट है जो कि 22 वर्ष की नहीं हुई है अभी, उस लड़की की स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है, वो चल नहीं पाती, उसको 30 मिनट से ज्यादा बैठना मना किया है डॉक्टर ने, जामिया के चलते 15 तारीख को उस बच्ची के फ्यूचर की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री जी लेंगे? अमित शाह जी नहीं लेंगे। वो काम नहीं कर सकती है, ऑफिस जॉब नहीं कर सकती है, नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती है क्योंकि उसके कमर में दर्द रहता है, वो 30 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकती। 15 तारीख के चलते जामिया पे हुए अटैक के चलते प्रधानमंत्री जी की माफी का क्या करेगी वो लड़की? प्रधानमंत्री जी की माफी का जामिया क्या करेगा? प्रधानमंत्री जी की माफी का झारखंड क्या करेगा? प्रधानमंत्री जी की माफी का वो सारे एनकाउंटर जो मारे गए हैं झारखंड में उनके परिवार क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी की माफी प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो इन सभी लोगों की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि अगर वो इतने गैर तैयार है कि वो साल भर एक आंदोलन को सिर्फ इसलिए घसीटते हैं क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए।